नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कठपुतली एजुकेशन। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, लगभग यूजी के एडमिशन के प्रोसेस यहां पर सेशन 2024-25 की खत्म हो चुकी है। यहां पर बीए बीएससी बीकॉम के रेगुलर विद्यार्थियों के एडमिशन लगभग सभी के यहां पर हो चुके हैं, चाहे प्रदेश के सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, इन सभी के यहाँ पर लगभग एडमिशन हो गए हैं। कुछ कोर्सेज को लेकर एडमिशन अभी प्रक्रिया चल रही है बीबीए बीसीए से रिलेटेड, क्योंकि ये कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजों में लेट शुरू हुए हैं, इस कारण से उनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। बहुत जल्द उनकी भी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। लेकिन बात करें यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार, काफी विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि एक बार एक वीडियो सेमेस्टर पर बना दीजिए कि क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्या क्या सेमेस्टर में होने वाला है, किस हिसाब से होने वाला है, रेगुलर और नॉन कॉलेज के बारे में भी बता दीजिए। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपके सवाल जो आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सेमेस्टर क्या है, सेमेस्टर में क्या क्या होता है, रेगुलर और नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर होता है क्या यूजी में, और सिलेबस किस हिसाब से रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और विशेष बात भैया, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण चीज यह भी होने वाली है कि हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं इस सेमेस्टर वाली प्रोसेस को। जो नए विद्यार्थी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के हैं भैया, यूजी के विद्यार्थी, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो इस साल से एडमिशन लिए हैं, इस सेशन में एडमिशन लिए हैं, अब आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उसका समाधान आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। बस सवाल करेंगे लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा यह पूरा वीडियो। उस वीडियो में सारी चीजें बताई जाएंगी और अंत में बताया जाएगा एक चीज कि भाई आपको क्या करना है, जिससे कि आपके आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको समस्या ना आए। मैं सभी पे काम करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक यूनिवर्सिटी पे ही मैं वीडियो डालता हूं और बाकी विद्यार्थी सवाल ही करते रहे, ऐसा नहीं होगा। मैं प्रयास करूंगा बेहतर तरीके से हर यूनिवर्सिटी पर काम करने का। तो ध्यान रहे, अब लगातार हम एडमिशन प्रोसेस के बाद में आगे बढ़ चुके हैं और इन सभी चीजों से रिलेटेड बात करेंगे। उसके बाद में आपके एग्जाम, सभी चीजों पे बातें हम करेंगे और सिलेबस को लेकर भी अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बता देता हूं कि सेमेस्टर क्या है, ये ध्यान रखिए। सेमेस्टर की बात जब आती है तो एक सवाल आता है कि साल में दो बार एग्जाम होंगे भैया, साल में दो बार एग्जाम हमें देखने को मिलता है। अब दो बार एग्जाम होता है तो भैया पहला एग्जाम कब होता है, दिसंबर में, ये क्या होता है सेमेस्टर फर्स्ट। दूसरा जो एग्जाम होता है भैया ये होता है लगभग मई और जून, ये कौन सा होता है सेकेंड सेम। दोनों को मिला के एक साल कंप्लीट हो जाता है, ये ध्यान रखें। ये बातें हो गई रेगुलर से रिलेटेड। ठीक यही प्रोसेस नॉन के लिए होती है कि भाई आपका यहां पर दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर, मई जून में सेकंड सेमेस्टर। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, यहां पर कुछ यूनिवर्सिटी थी जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी भी शामिल थी कि नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों का यहां पर दोनों सेमेस्टर के एक साथ फॉर्म भरे गए। नॉन विद्यार्थियों की बात करूं पिछले सेशन की, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का एक साथ फॉर्म भरवाया और दोनों का एक साथ एग्जाम लगवाया मई जून में। ये किसके लिए था, पिछले साल राजस्थान यूनिवर्सिटी ने किया। अब आने वाले समय में क्या करेंगे, या तो जब नोटिस आएगा नवंबर के आसपास नोटिस आना शुरू होंगे तब पता चलेगा, और लगभग हो सकता है कि बाद में ही हो सारी चीजें, है ना, जिस तरीके से पहले होती आई हैं ठीक वैसे ही। लेकिन बात करें रेगुलर विद्यार्थियों की, बात करते हैं चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, शेखावट यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, MDSU, JNVU, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो राजस्थान की, सेमेस्टर फर्स्ट आपका दिसंबर में होगा, ये ध्यान रखे। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक तारीख एक दिसंबर से शुरू हो जाए, वो तो डेट से बाद में यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, लेकिन सेमेस्टर का रूल ये है कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। और दूसरा बात करें सेकंड सेमेस्टर, वो मई जून के आसपास आपका जाता है। लेकिन इससे बीच भी रेगुलर विद्यार्थियों से रिलेटेड कुछ प्रोसेस होती है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। देखो भैया, रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है, नॉन की बात करूं तो नॉन में केवल आपका एग्जाम फॉरम भरा जाता है, ये ध्यान रखो, और फिर उसके बाद में एग्जाम लगता है। अगर किसी के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो प्रैक्टिकल लग जाता है। ये नॉन से रिलेटेड है, इसको यहां तक ही सीमित रखो, बस इतना सा आप ध्यान रखें। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी आप देख लेंगे। भैया मैं बता देता हूं, नॉन में केवल एग्जाम फॉरम भरा जाता है और उसके बाद में आप एग्जाम लग जाता है। किसी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो उसका प्रैक्टिकल लगता है, ये नॉन से रिलेटेड होता है। लेकिन बात करेंगे रेगुलर विद्यार्थियों का स्पेशल रूप से, पहले क्या होता है एडमिशन, ठीक है भाई, रेगुलर के विद्यार्थियों की सारी प्रोसेस देख लो। एडमिशन के बाद में क्या होती है भैया, आपकी क्लासेज लगती हैं। क्लासेज में लगभग लगभग 75% का रूल होता है। अब कुछ कॉलेज वाले क्लासेज नहीं लगाते हैं तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन रूल में बता रहा हूँ ना। कुछ कॉलेज वाले कहेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं आएगा तो भी चल जाएगा काम, तो उनके खुद के लेवल पे है, ठीक है, उसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता भैया, ठीक है, लेकिन रूल 75% का होता है। दूसरा बात करें क्लासेज के बाद में आपका यहाँ पर आएगा रेगुलर विद्यार्थियों के लिए
एमटी, जिसको बोला जाता है मिड टर्म, ये एग्जाम रहेगा। ये लगभग अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे ध्यान रखे, मिड टर्म एग्जाम। हालांकि डेट्स होती है कि सितंबर में हो जाना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी भी सेमेस्टर वाले पैटर्न पर ठीक तरीके से लौटी ही नहीं है, तो थोड़ा सा डिले चलता आ रहा है। और ये मान के चले कि अक्टूबर में आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे, यहाँ पर अभी से भी यूनिवर्सिटी के लगभग लगभग अक्टूबर में देखने को मिल जाएंगे। डिले भी हुआ तो अपने अपने कॉलेज से संपर्क रखेंगे, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स वहां से मिलती रहती है मिड टर्म एग्जाम को लेकर। मिड टर्म क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। जो जो सब्जेक्ट आपके होते हैं भैया रेगुलर विद्यार्थियों की ओर है, उसका एक टेस्ट होता है, हर सेमेस्टर में लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी लगेगा, सेकेंड सेमेस्टर में भी लगेगा। ये जब मैं सिलेबस समझाऊंगा हर सेमेस्टर का, हर सब्जेक्ट का, उसमें बता दूंगा पूरी चीजें क्या होगा। लेकिन ये ध्यान रखें मिड टर्म एग्जाम, यानी कि अब स्कूल में थे तो आपके स्कूल में क्या होता था, टेस्ट लगते थे, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, ठीक है। ऐसा ही है भैया, यहां पर हर सेमेस्टर में आपका मिड टर्म टेस्ट लगेगा, ध्यान रखें, उसको नाम दिया जाता है मिड टर्म एग्जाम, और यह है एक तरीके से कंपलसरी होता है। दूसरी बात भैया, यहां के नंबर भी आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं, ठीक है, ये बात भी है। और मिड टर्म एग्जाम जो रहेगा केवल रेगुलर विद्यार्थियों का होता है, नॉन कॉलेज का नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। रेगुलर विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी अपडेट है भैया, ये इस प्रोसेस को समझना, एडमिशन क्लासेस और लगातार क्लासेस, क्लासेस लेंगे तो प्रैक्टिकल भी आपको सिखाएंगे कॉलेज वाले कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आपके पास में, तो नहीं तो आपकी क्लासेस जो चल रही है, अगर क्लासेस नहीं चल रही तो सीधे प्रिंसिपल को बोलो भाई क्लासेस चलेंगी, कोई टीचर एक दिन नहीं आ रहा, दो दिन नहीं आ रहा, तीसरे दिन कहीं ना कहीं से फैकल्टी एडजस्ट होगा। विद्या संबल योजना के तहत, गेस्ट फैकल्टी के तहत टीचर लगाने का उनके पास अधिकार है, तो वो लगाएंगे आपके लिए टीचर, इसलिए आपको विरोध करना पड़ेगा अगर क्लासेस नहीं, आप ही डिले पड़ जाएंगे तो पूरा कॉलेज स्टाफ डिले पड़ जाएगा, और फिर रिजल्ट वो ऐसा ही आएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए आपकी पढ़ाई बेहतर करनी है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वहां पर होना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। एमटी का मतलब हो गया मिड टर्म एग्जाम। फिर क्या होगा भैया, आपका भरा जाएगा सेमेस्टर एग्जाम फोरम, उसके बाद में लगेगा एग्जाम, और उसके बाद में लगेगा प्रैक्टिकल, जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो केवल उसी का लगता है, ठीक है। रेगुलर विद्यार्थियों से रिलेटेड सेमेस्टर क्या है भैया, इसमें क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड बातें होगी। नॉन कॉलेज में क्या होता है, केवल एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद एग्जाम लग जाती है, और जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसका प्रैक्टिकल लग जाता है। ये तो हो गया नॉन कॉलेज से रिलेटेड। बात करें रेगुलर के लिए, एडमिशन होता है, क्लासेज वगैरह लगती है, आपको कॉलेज जाना होता है, ध्यान रखें। उसके बाद में मिड टर्म एग्जाम होता है, जिसको टेस्ट हम बोलते आए हैं कि भी स्कूलों में टेस्ट लगता था, वो कॉलेजों में भी टेस्ट आपके शुरू हो गए, ध्यान रखें। 10-10 नंबरों के होते हैं, ज्यादा नंबर को नहीं होता, ठीक है, साइंस वालों के 20 नंबर का होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद में सेमेस्टर एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है, लगभग नवंबर के आसपास फॉर्म भरा जाता है, और उस फॉर्म को भरने के बाद में आपके एग्जाम लग जाते हैं, यानी उससे पहले टाइम टेबल आएगा, फिर एग्जाम लग जाएगा। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। सवाल खत्म हुआ, यहां पर सेमेस्टर क्या है, सेमेस्टर में क्या क्या होगा, दो सवालों को यहां पर मैंने समझा दिया है। रेगुलर व नॉन में सेमेस्टर, बिल्कुल रेगुलर में भी सेमेस्टर है, नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर है। मैंने फिर से बताया पिछली बार, राजस्थान यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके दोनों सेमेस्टर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के एक साथ एग्जाम हुए थे। रेगुलर के तो अलग अलग हुए थे, भी दिसंबर में भी हुए थे और मई जून में भी हुए थे, लेकिन नॉन कॉलेज में क्या हुआ था, इन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ करवाया था। अब इस सेशन में क्या रहता है, यह नवंबर में आसपास पता चलेगा, अभी इंतजार करें, ठीक है। और लगभग लगभग मुझे लगता है कि एक साथ ही होंगे नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें आप, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। बात करें सिलेबस, अब देखो ये सवाल आता है, मैंने आपको कहा शुरू में ही वीडियो में कि भैया यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब मैं सवालों पर बात करने वाला हूं। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि सिलेबस मुझे कहां से डाउनलोड करना है, सेशन 2024-25 वाला सेशन जो रहा, ध्यान रखें जो अभी सेशन है, तो आपका सिलेबस 2023-24 में जो सेमेस्टर लागू हुआ था वो ही सिलेबस रहने वाला है। डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में आपको बताऊं, ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है भैया, सेमेस्टर सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देखें, ठीक है। कॉलेज एडमिशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो को, कमेंट में भी पिन कर देता हूं, ध्यान रखें उस वीडियो को, हर जगह उस वीडियो को पिन कर देता हूं जहां से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस के बारे में आपको वहां पर डाउनलोड कैसे करना है उससे रिलेटेड जानकारी है। अब बात करते हैं, एक कमेंट आपको यहां पर करना है इस वीडियो पर, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और अभी तक बने हुए हैं तो ध्यान रखें। एक सवाल जो मैं कर रहा हूं यहां पर आपसे, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं, यानी आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में है, जयपुर और दौसा कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो ध्यान रखिए आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर रहेंगे, अलवर से हैं तो भैया मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंडर रहेंगे, सीकर साइड से हैं तो शेखावत यूनिवर्सिटी के अंडर में आएंगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज हो, ध्यान रखिए कैसे भी आप विद्यार्थी हो, आप बस अपना कमेंट करें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिख दूंगा कि आप कहां से, उसका एड्रेस लिखना ना कि आप इस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उसमें पूरा एड्रेस लिखना भाई, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली, एलबीएस कॉलेज कोटपूतली,
पाना देवी कॉलेज कोटपुतली, जो भी कमेंट है आप यहां पर करेंगे उससे मुझे पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यहां पर अपने पास ऐड हैं। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही चैनल पर लगातार वीडियो देखने को मिले हैं, हमेशा से मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीडियो अवेलेबल करवाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि शेखावटी पे भी काम हो, मत्स्य पे भी काम हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी जुड़ेगा तो आई थिंक बेटर है आप जुड़ेंगे। अब मैं सेकंड ईयर का वीडियो डालूं डायरेक्ट तो किसी भी यूनिवर्सिटी का जिसका क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर का वीडियो नहीं डाल रखा, तो फिर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे कि यार सेकंड फर्स्ट ईयर वाला सोचेगा सेकंड ईयर का डायरेक्ट वीडियो डाल रहे, पहले तो कोई अपडेट नहीं दी। वो तो एक तरीके से हो गया कि भाई आपको जिस समय आवश्यकता थी उस समय आपने, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आपको शुरुआत से आवश्यकता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से आपको लगातार अपडेट्स देखने को मिले आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को लगातार अपडेट मिलती है इस चैनल से, अब मैं चाहता हूं कि अन्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी लगातार अपडेट्स प्राप्त करें यहां से, चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, शेखावटी हो, बीकानेर यूनिवर्सिटी हो। इसलिए चाहता हूं कि स्टूडेंट्स लगातार सवाल करते, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं कि भाई सवाल किया करो कन्फ्यूजन हो तो। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल आप यहां पर यूट्यूब पर करते रहे, कमेंट में जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं होता, एक वीडियो पे 400-500 कमेंट आ जाते हैं, फिर उसके बाद में पिछले वीडियो कमेंट चलते रहते हैं, इतने वीडियो पर 1000 से ज्यादा वीडियो डल चुके हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देता रहता हूँ, ये ध्यान रखें, रिप्लाई मिल जाता है, पूरी टीम के थ्रू आपको रिप्लाई मिलता है और 24 घंटे के अंदर कंफर्म आपको जॉब मिलता है। इसलिए बेटर आपको मतलब कि सुविधाएं देखने को मिले, इसलिए कह रहा हूं भैया यहां पर बहुत जरूरी है आपका यह है चीजें जानना कि आप जिस भी क्लास में हैं उसका यहां पर कमेंट करें, आपको आपके पढ़ाई में क्या दिक्कतें आ रही हैं। सिलेबस के वीडियो तो चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें भाई, ठीक है भाई, कोई शेखावटी से है तो PDUSU, कोई कहे कि भाई मैं मत्स्य से हूं तो भैया मत्स्य लिख दो, या RRBMU लिख दो, कोई कहे RU से हूं, कोई कहे भैया MDSU से हूं, कोई कहे भैया मैं और MSBU से हूं, कोई कहे MGSU से हूं, ये यूनिवर्सिटी के नाम है सबके अपने अपने, देख लेना एक बार ना, आप जिस भी एरिया से हो उस कॉलेज का नाम लिख दो। सपोज दैट कोई कहे मैं भाई यहाँ से हूँ गवर्नमेंट कॉलेज दोसा, तो दोसा का लिख दो, फिर मैं बता दूंगा उससे रिलेटेड भाई दोसा के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस आएगा और सिलेबस के बारे में हम वीडियो लगातार चैनल पर देखने को मिलेंगे। अब बनेंगी प्लेलिस्ट चैनल पर और ये आने वाले जो 10-15 दिन रहने वाले हैं सिलेबस पे रहेंगे, सब यूनिवर्सिटी के सिलेबस हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो, चाहे दिन में मेरे को 10 वीडियो डालने पड़े डालेंगे भैया, हर यूनिवर्सिटी के वीडियो आपको सिलेबस से रिलेटेड डालेंगे। समझाऊंगा एक एक सिलेबस का पार्ट कि कहां से किस सिलेबस को कहां से खोलना है, कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर में पास होंगे, कैसे पढ़ना है, कितनी यूनिट पढ़ेगी पास लायक हो जाए, कितनी यूनिट बढ़ेगी अच्छे से नंबर आ जाए, क्या करना है कि सेमेस्टर पास हो जाएगा, कितना पढ़ना है, कौन सी यूनिट को ज्यादा पढ़ना है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे। पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबरों में पास होंगे, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सेमेस्टर स्कीम क्या होती है, ये सारी चीजें, MT में क्या करना पड़ेगा, MT कैसे पास होगा, असाइनमेंट भी जमा होते हैं, ये ध्यान रखिए वो मिड टर्म जो एग्जाम होता है उस टाइम में आपके असाइनमेंट जमा होते हैं। इन सभी चीजों से रिलेटेड आने वाले समय में लगातार अपडेट आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, इसलिए आपके लिए जरूरी है इस सवाल का जवाब देना। यहां पर जो सिलेबस वाला पार्ट है मैं कह रहा हूं भैया आने वाले समय में चैनल पर लगातार वीडियो देखने को मिलेंगे सिलेबस के, इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी की जानकारी दे वो एक बार कि किस यूनिवर्सिटी के ज्यादा विद्यार्थी, मैं डालता रहूं कोटा यूनिवर्सिटी के अपडेट मान लो कि डालता रहूं और पता चल रहा है कि विद्यार्थी तो इंतजार कर रहे हैं MGSU के, कोटा यूनिवर्सिटी वाले ना तो देख रहे हैं अपने पास और ना ही अपने पास स्टूडेंट, और मैं डालता रहूं तो वो भी ठीक नहीं है भैया। इसलिए कहता हूं कि जितने विद्यार्थी यहां पर सवाल करेंगे अपने विद्यार्थियों को शेयर करें चैनल को कि भाई हां यहां पे तो कमेंट किया कर, लगातार वीडियो अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलेंगे, अपने कॉलेज से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, कोई सवाल समझ में नहीं आता तो इंस्टाग्राम पे बात किया करो, ठीक है भाई उससे रिलेटेड फिर उस सवाल पे जवाब देगा। ये सारी चीजें पिछले 2 साल से चली आ रही हैं और आप आने वाले समय में लगातार बने रहें इसलिए यहां पर बातें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। कोई भी वीडियो पिछले साल का उठा के देख लेना, यहां पर बातें आपके सवालों से रिलेटेड की गई हैं, ठीक है। तो ये बातें थी आपके सेमेस्टर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार है। अब देखो समय बीत चुका है, एडमिशन वगैरह की प्रोसेस हो चुकी है, अब बहुत जल्द मिड टर्म होने वाले हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए। लगभग आपके कॉलेजों में पढ़ाई चालू है भैया, क्लासेस चल रही हैं, नहीं चल रही हैं तो भैया अपने प्रिंसिपल से बोलो क्लासेस चल जाएंगी, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है उसके लिए बोलो कि एडजस्ट करवाएं, क्योंकि विद्या संबल योजना के तहत क्लासेस भी एडजस्ट होती हैं, तो ध्यान रखिए आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कुछ समझ में नहीं आए तो मैं बैठा ही हूँ, फिर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाने वाला हूँ, कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा और प्रयास करेंगे यहाँ पर आने वाले समय में आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगे। तो अभी जो अपडेट थी UG सेमेस्टर वाले विद्यार्थी जो पहली बार 12th के बाद में यहाँ पर कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, कॉलेज की तरफ आ चुके हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर जो जरूरी अपडेट्स मैंने बता दिए, अपने साथी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे जिससे कि आने वाले समय में लगातार आपको भी और उनको भी वीडियो देखने को मिले और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको देखने को मिलता रहे। बात करूँ यहाँ पर आपके स्कॉलरशिप हुआ, स्कूटी से योजना से रिलेटेड हुआ, सभी के वीडियो डाले हुए चैनल पर देख लेंगे, ठीक है। फिर भी कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
ये ध्यान रखें। और सिलेबस को लेकर एक वीडियो पहले डाला हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसे कैसे डाउनलोड करना है, और समझाने वाला तो मैं हुई हूँ, आने वाले समय में कल से ही वीडियो देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आज आपका कमेंट जरूरी है। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।